तो गाइस नहा धो के हो गया मैं तैयार और इश्तियाक आ रहा है बस ऊपर से। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घूमने, तो आपसे मिलते हैं हवा महल में। स्टे ट्यून। तो गाइस ऑटो में बैठ चुके हैं, हवा महल जा रहे हैं घूमने। वहाँ पे ट्रैफिक लगा होता है तो इस वजह से वहाँ कार लेकर नहीं जा रहे हैं, तो पहुँच जाएंगे 10-1 मिनट में, फिर चल के निकलते हैं हवा महल। हवा महल जा रहे हैं, भाई ने ऑटो ही हवा बना रखा है एकदम। गाइस फाइनली पहुंच गए हवा महल। ये बाहर वाली साइड है, एक दूसरी वाली साइड भी है, उसमें जाके देखेंगे दूसरी साइड से अंदर। गाइस ये आप देख सकते हैं, ये मार्केट है हवा महल के साइड में। यहाँ पे चूड़ी वगैरह सब मिलती है और लेडीज सामान है बहुत सारा। हम मर्दों के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भेदभाव कर रखा है, सब कुछ ही लेडीज़ है यार। यहाँ पर सारा लेडीज सामान ही मिलता है, यहाँ जेंट्स भी मिलेगा कह तो रहे हैं पर दिखाई तो नहीं दे रहा। जेंट्स साड़ी पहन के थोड़ी घूमेगा। गाइस ये आ गया हवा महल, आप देख सकते हैं ये रहा पीछे बोर्ड हवा महल, और ये इसकी एंट्री है सामने। हम एंटर हो गए हवा महल में, अब आगे चल के देखते हैं इसमें क्या खास है। गाइस ये सामने टिकट घर है और ये आप देख सकते हैं गाइड की रेट लिस्ट है, तो इससे ज़्यादा आपको पे करने नहीं है। इंग्लिश हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज में गाइड चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, वैसे 1 से 4 बंदों के लिए 400 रुपये आप देख ही सकते हैं। चलते हैं टिकट लेते हैं सामने से। टिकट ले रहे हैं हम और फिर गाइड हायर करेंगे आगे से, तो गाइड ज़्यादा अच्छा बता पाएगा और हमें घुमा भी देगा। गाइस ये 100 रुपये की टिकट है, अब हम यहाँ से एंटर करेंगे। अंकल गाइड कहाँ मिलेगा? गाइड गाइड हाँ जी। कितने लोग हैं? हम 2 लोग हैं जी। 400 रुपीज है। कितना? 400। और कितनी देर घुमाओगे आप अंदर? 25 से 30 मिनट। सब कुछ बताओगे? हाँ, पूरी मेहनत करेंगे। चलो ठीक है ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अशोक। तो अशोक जी 25-30 मिनट अंदर सब कुछ बताएंगे हमें हवा महल के बारे में, तो चलते हैं अंदर। बोलते हैं 1799 में जयपुर के 5वें राजा सवाई प्रताप सिंह इसको बनाया है। अच्छा, इसको क्यों बनाया गया है? क्योंकि 1718 सेंचुरी में राजस्थान में पर्दा सिस्टम चलता था, पर्दे की जो रानियां वहां थी। हाँ। जो बनकूर काफी स्पेशल है। हाँ। जब भी वो त्यौहार आते हैं तो शहर में एक जुलूस निकाला जाता है। 200 साल पहले जुलूस पैलेस के बाहर मेन रोड है, वहाँ से पास होता था। रानियां चाहती थी कि हम जुलूस बाहर जाके देखे, बट रानियों को बाहर जाने का परमिशन नहीं। अच्छा, उस जमाने में राजा प्रताप सिंह भगवान कृष्ण के भक्त थे, प्लस रानियों के लिए कुछ बनाना चाहते, तो कृष्ण भगवान को अर्पण करने के लिए उनका मुकुट का जैसा महल बनाया। साथ ही फ्रंट साइड पे 365 खिड़कियां बनाई। अच्छा, उस साइड 365 है जो फ्रंट वाला गेट है। और इस पैलेस को जोड़ा सिटी पैलेस से। अच्छा, तो जब भी रानियों को कुछ देखना होता था, यहाँ कोई रहता नहीं था, सिटी पैलेस से रानी छत से आती थी। हाँ। और वो खिड़की के पास जाके बैठती थी और बाहर की तरफ तीज गणगौर होली दिवाली मोहर्रम देख के वापस सिटी पैलेस चले जाती थी, कोई भी उनको नहीं देख पाता। अच्छा, हवा महल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि राजस्थान में गर्मी काफी होती है, टेम्परेचर 45-50 डिग्री, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था। इसमें क्या है, क्रॉस वेंटिलेशन आर्किटेक्ट। अच्छा, अभी की पीछे राइट लेफ्ट टोटल 953 खिड़की है, चारों से काफी हवा आता था। अच्छा, इसलिए हवा महल कहते हैं। ये एंट्रेंस गेट है, चांदपुर गेट है, जिसमें रानी अंदर जाती थी। चांदपुर गेट से ऊपर से उनके पास अपने बच्चों का बालकनी। अच्छा, पहले से 5 फ्लोर और 5 फ्लोर देखेंगे। ठीक है, चलो गाइस अंदर चलते हैं और 5 फ्लोर देखते हैं पैलेस के। इस टाइम काफी रश हो रखा है वैसे, देखो भैया ये जो पहले से दिखने में दीवार की तरह दिखता है। अच्छा, बट इसमें 5 अलग अलग फ्लोर बने हुए हैं। हाँ। इस कोर्टयार्ड से राइट साइड पे देखो, ये बना हुआ राजा का गेस्ट हाउस। अच्छा, उधर भोजनशाला होती थी आउट उस तरफ। हाँ। ये बीच में बाहर तक जाकर राजा रानी एंजॉय करते थे होली वगैरह। अच्छा, ये बीच में। ठीक है, रानियों का ड्रेस काफी भारी होता था, 20 किलो 25 किलो पैदल नहीं चल पाती थी। अच्छा, इस पहले कुछ सीढ़ियाँ नहीं है, वो रैंप बना हुआ है। जो भी मेन रानी होती थी लकड़ी के व्हील चेयर पर रानी को बिठा के पीछे 5 फ्लोर में। ठीक है, क्या है ये? भोजनशाला। अच्छा, ये है भोजनशाला। ठीक है गाइस, ये आप देख सकते हैं यहाँ भोजन करते थे राजा महाराजा। ठीक है।
नीचे फर्स्ट फ्लोर का है, सेकंड फ्लोर पे आ गए। अच्छा सेकंड फ्लोर है, इसको रत्न मंदिर बोलते हैं, रत्न मंदिर से बोलते हैं क्योंकि बाहर से देखने में पैलेस ग्राउंड की तरह दिखता है। अच्छा ग्राउंड में काफी सारे रत्न होते हैं तो कलम से बाहर से रत्न की तरह दिखते हैं। अच्छा यहाँ एक झूला होता था, बैठते थे, कार्पेट होते थे, ट्रांसपेरेंट कार्टन होते थे, काफी अच्छा लाइफ प्लानिंग का इसमें। ठीक है, ये राजस्थान का मकराना मार्बल है। मकराना मार्बल, अच्छा इसका क्या मतलब है, ज्यादा मजबूत होता है? ये काफी फेमस है, तो ताजमहल में जो लगा हुआ ना वो तो संगमरमर है। हाँ मार्बल है। अच्छा भैया यहाँ से आप बाहर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको हजार रुपये। अच्छा ऐसा कहा जाता है दरवाजा बंद पड़ा हुआ है, इसके पीछे एक सुरंग है, सुरंग जो कि सिटी पैलेस तक जाता है। ठीक है, आपको कितनी भाषाएं आती है भैया? भैया मुझे फ्रेंच स्पेनिश। अच्छा ये जो जगह है भैया यहाँ पे रानियाँ बैठ के एंजॉय करती थी। हाँ काफी बढ़िया जगह लग रही है। हाँ और राजा साहब बैठ के रानियों का एंटरटेन वगैरह देखा करते हैं। अच्छा बाहर पे जो फोर्ट दिख रहा है उसको नाहरगढ़ फोर्ट बोलते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट या टाइगर फोर्ट बोलते हैं। 1734 में राजा माधव सिंह ने बनाया है। अच्छा वो राजा का कार्य होता था, 9 रानियाँ थी, 9 महल बने हुए हैं। अच्छा जी ठीक है, वही आप देख सकते हैं यहाँ पे रानी एंजॉय करती थी बैठ के। काफी बढ़िया सी प्लेस है, एकदम शांत। अभी तो यहाँ कोटियार, क्या कहते हैं इसे, ओपन कोर्टयार्ड। ओपन कोर्टयार्ड है गाइस ये। अशोक जी बहुत गुस्से में लग रहे हैं। देखिए भाई साहब ये पहले नीचे से चौड़ा है, ऊपर से गोल है, तो अच्छा। मुकुट आपको उधर देखने को मिलेगा, अपन मुकुट के पीछे हैं। मुकुट का बांध हाँ, 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 वो था ना सामने, मुकुट का बेल्ट है और हाँ। इसका हेड बना गया है। अच्छा दोनों तरफ जो वॉचिंग टावर है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। ठीक है वहाँ वहाँ वो और वो आप देख सकते हैं गाइस, वो दोनों वॉचिंग टावर। अशोक जी बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाते हुए। काफ़ी रश है यहाँ पर, बल्कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी लोग काफ़ी टूरिस्ट लगे हुए हैं यहाँ पर। भैया ये जो जालियाँ हैं इनको झरोके बोलते हैं। झरोके का मतलब लेकिन बहुत आउटसाइड मतलब बोलते हैं। ठंडी हवा आती है, धूप भी आती है। गाइस इन्हें झरोका कहते हैं। यहाँ से आप देखो थोड़ा ऐसे की तरफ है ना, नीचे की तरफ, तो यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं, लेकिन वो लोग ऊपर नहीं देख सकते। तो जो पुराना आर्किटेक्चर है तो वाकई में कमेंडेबल था, ऐसा तो आज की डेट में तो बन ही नहीं सकता। बाकी ये देखते हैं आगे क्या है। और ये भगवान कृष्ण की पूजा के लिए होता था, रानियाँ की पूजा वगैरह करती थी। अच्छा इस पैलेस के अंदर देख लीजिए इसका आर्किटेक्चर, ऐसा कहा जाता है कि विदाउट फाउंडेशन का बना हुआ पहले। अच्छा पहले पहाड़ी थी, पहाड़ी को काट के उसके ऊपर ये दीवार बनाया हुआ, नीचे कोई भी वो नहीं है, बेस नहीं है। अच्छा हवा में झूलता हुआ पैलेस। अच्छा सेकेंड खिड़कियाँ हैं, उनका आर्किटेक्चर देखो, एक साथ 3 खिड़कियाँ हैं, 3 डायरेक्शन अलग अलग है, तो आप एक ही जगह से बैठ के राइट लेफ्ट फ्रंट 180 डिग्री। अच्छा इस तरीके से बनाया था। ठीक है 180 डिग्री दिखता है, 360 डिग्री से पूरा पैलेस खुला हुआ है। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। उधर म्यूजिशियन बैठते थे जो काफ़ी क्राउड सा लग रहा है जो। यहाँ पर यहाँ म्यूजिशियन बैठ के रानी का एंटरटेन किया करता। अच्छा ठीक है, इसे वो सकड़ा होता जाएगा पहले, छोटा। अच्छा पतला होता जाएगा क्योंकि ये इसका शेप जो पिरामिड आकार का है। पिरामिड आकार का, ठीक है भैया। गाइस अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, अब ऊपर चल के देखते हैं और थोड़ा ये नैरो होता जाएगा, जैसा कि अशोक जी का कहना। अशोक जी कहाँ गए? अब कहाँ गए अशोक जी? ये झरोकों से एकदम झरोके आ रहे हैं। अशोक जी अब फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हैं ना? हाँ ठीक है। सरकार जी आ गए हैं फोर्थ फ्लोर। जैसा कि अशोक जी का कहना था ये नैरो होता जा रहा है, अब ऊपर से काफी पतला लग रहा है, कम ही लोग हैं यहाँ पर, और उसके ऊपर तो बिल्कुल ही पतला हो रखा है।
भैया चौथा फ्लोर पे आ गए, चौथा अच्छा। फ्लोर प्रकाश मंदिर खुला हुआ है, खुला अच्छा। हुआ है, तो उसका मतलब धूप आता था सर्दी में, रानियाँ बैठ के धूप सेकती थी तो रानियों को काफी अच्छा लगता। अच्छा, सिर्फ ये धूप सेकने के लिए ये जगह है ना, ये कलश दिख रहे हैं, ये गोल्ड प्लेटेड है उस जमाने। अच्छा, गोल्ड प्लेटेड है मतलब पूरा गोल्ड का नहीं है। अच्छा, ये जैसे इसकी देख, ये देख सकते हैं प्लेटिंग उतर रही है गोल्ड की ना। हाँ, तो गवर्नमेंट हर 5-6 साल में इसके ऊपर ऊपर जाती है। अच्छा, कुछ रेनोवेशन होता है ना, बहुत बढ़िया। देखो सकड़ी, अब ये नैरो होता जा रहा है बिल्कुल, सकड़ी सकड़ी सीढ़ियां हैं, सिक्योरिटी पर्पस से कभी कोई अटैक हो जाए तो आदमी भाला लेके कंट्रोल कर लेके एक आदमी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, लुक एट दैट, लाइक दैट, ये तो बहुत पतला हो गया है। तो ये आखिरी फ्लोर है ना, फिफ्थ फ्लोर। तो यहाँ से आप एक बार जयपुर सिटी का व्यू देख सकते हैं गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त हो रखा है। और इस सिटी देख लो भैया, इधर द पिंक सिटी इज देयर। अच्छा, ये पिंक सिटी है, तो पूरा जयपुर सिटी को गुलाबी नगरी बोलते हैं। हाँ, चलो भैया आगे चलो, आगे चलोगे तब हम आएंगे, अब आएंगे, आ जाओ। आइए भैया इधर। हाँ जी, देखो ये जो है टॉपेस फ्लोर है, 87 फीट हाइट पे खड़े हैं अपन। अच्छा, ठीक है। रानिया यहाँ पे सनसेट और पूनम का चांद देखने आती थी। अच्छा, यहाँ रहती नहीं, रहने का पहले जो है ना मतलब फ्लैग। हाँ, वो ये राजा का रेजिडेंस, दो फ्लैग है इसका, मतलब राजा साहब महल में है, एक फ्लैग मतलब राजा महल में। अच्छा, है ना, अभी भी राजा की फैमिली रहती है, राजा का नाम है पद्मनाभ सिंह, अभी भी यहाँ रहते हैं। वेरी क्लोज टू दैट इज जंतर मंतर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धूप घड़ी है। अच्छा, धूप टाइम देखा जाता है 2 सेकंड का एक्यूरेसी आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी सिटी पहले जंतर मंतर, हवा महल जुड़े हुए आपस में। अच्छा, पुरानी इंटरकनेक्टेड है, छत से आती थी, छत से जाती थी। ये शहर 300 साल पुराना है। अच्छा, यहाँ से पहले राजा लोग आमेर में रहते थे, आमेर वो पहाड़ी के पीछे बना हुआ। कौन सी वाली? वो पहाड़ी के पास अकबर का रियल एस्टेट वहीं से बना है। ये पुराना जयपुर, आगे नया जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से बनाया गया है। पिंक सिटी, ठीक है। क्रिकेट स्टेडियम, असेंबली हॉल, ठीक है। अच्छा, उधर की साइड है वो, जो वहाँ से आपको जो दीवार दिखता है। हाँ, तो ये इस दीवार के पीछे अपन। और ये अशोक जी, हम लास्ट स्पॉट में जा रहे हैं, राजा का स्टैचू। ब्यूटीफुल विंडो, लुक एट दिस, वर्क अगेंस्ट विंडो पर, वर्कमैनशिप देखो, सही कह रहे हो। मुझे फोर्स से पता है, केल्विन पारिशियन सुजे मार्सेई नॉर्मोंडी नॉर्मोंडी सर्वदील मोसामिशेल नो आपको से तो मान लो क्या देना बा अशोक जी टूरिस्ट से उनकी भाषा में बात करते हुए हमारे भारत का परचम लहराते हुए। तो गाइस, वापस ही हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं और अब जा रहे हैं स्टैचू देखने राजा का, जिन्होंने हवा महल बनाया। क्या नाम था उनका? अच्छा, ये राजा का स्टैचू सवाई प्रताप सिंह जी ने बनाया है। अच्छा, जल महल हवा महल, ठीक है। और इस साइड ये क्या है? अच्छा, मॉडल है, मैन मेड अट्रैक्शन है जो मैंने देख लिया है। अच्छा, बाद में आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो टैग करा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, व्हाटएवर यू लाइक, दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छा, वो वाला है। तो गाइस, ये अशोक जी थे हमारे साथ, जिन्होंने हमें काफी अच्छी तरह से हवा महल के बारे में सारी चीजें बताई और आसपास की सारी साइट सीइंग करवाई है। तो अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कभी आना तो जयपुर तो अशोक जी से जरूर मिलना, ये काफी अच्छी तरह आपको सारी चीजें समझाएंगे। थैंक यू।
भाई कैसा लगा हवा महल? एक नंबर लगा भाई, मजा आ गया। हवाबाजी करी बहुत? हवाबाजी प्यार मोहब्बत इतना मजा आया है डांस करने में, बहुत ही मजा आया। अच्छा बहुत मजा है, चल बहुत बढ़िया है। तो फुल हवाबाजी हो गई हवा महल में, अब शाम को मिलते हैं शादी में।